हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो मिल्क शेक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पके आम लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी आम ले सकते हैं, जैसे कि केसर, अल्फांजो, आपको जो मिल जाए वो आप ले लीजिए। अब हम इसे पील कर लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करने के लिए मैं सबसे पहले इनके ऊपर कट मार्क्स लगाऊंगी और ये इजीली कट हो जाएंगे। बट आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ मैंगोज को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, तो अब हम इन्हें ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून चीनी ऐड किया है। इसके साथ ही अब हम इसमें पिंच ऑफ मीन्स कि चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। उसके बाद अब हम इसमें 2 कप ठंडा दूध ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, हमने इसे ब्लेंड कर लिया है, तो अब हम एक स्पून की हेल्प से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और देखिए, हमारा मैंगो मिल्कशेक रेडी है। तो अब हम इसे डायरेक्टली ग्लास में पोर करेंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, या फिर ग्लास में थोड़ा आइस क्यूब डाल दीजिए और उसके बाद मिल्कशेक को पोर करिए। अब हम इसे टूटी फ्रूटी से गार्निश करके सर्व करेंगे। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे पिस्ता या बादाम से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल किया है। और देखिए, हमारा मैंगो मिल्कशेक बन करके तैयार है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।